दोस्तों, कैसे हैं? आज 21 तारीख है, और जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि निफ्टी थोड़ा एक निगेटिव पॉइंट चल रहा है, और अगर कोई भी आज निगेटिव में इस वीडियो को देखा होगा या इसके पहले के कोई वीडियो को देखा होगा जिसमें यहाँ पे भी मैंने आपको वार्निंग दिया था, ये अगर आपने ये निफ्टी का भी व्यू देखा होगा जिसमें मैंने वीकली व्यू दिया था, तो अगर आपने कोई भी व्यू देखा होगा तो आप 16 तारीख को दिया था, तो आप क्या एटलीस्ट वेल तो नहीं गया होगा। और बाकी ठीक है, कोई बात नहीं, जैसा भी है। आज देखेंगे निफ्टी 10,754 पे क्लोजिंग दिया है 197 पॉइंट के बाद, -1.81। मार्केट में आप दो व्यू है, एक तो यूएस में कुछ शटडाउन, मतलब कि उन्होंने कोई पॉलिसी हमारे ट्रम्प साहब ने साइन नहीं की है बजट, तो इसके चले शटडाउन की बातें कर रहे हैं। दूसरे कुछ लोग बोल रहे हैं कि अब जो है फॉरनर जो भी हैं क्रिसमस मनाने चले जाएंगे, 31 मनाने चले जाएंगे, तो प्रॉफिट बुकिंग करके जा रहे हैं। कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि बहुत ज़्यादा ऊपर मार्केट जा चुका है, तो एक बार प्रॉफिट बुकिंग करके थोड़ा साइड होना चाहते हैं, साइडवेज जाना चाहते हैं। लेकिन वही दूसरी और एक धारणा और है कि मार्केट की क्लोजिंग होने वाली है, तो शायद अभी इस बार बेच के नीचे निकल रहे हैं, और लास्ट वीक में, लास्ट मोमेंट में, मतलब कि आप समझिए कि हो सकता है इसको मार्केट को एक बार 10,454 तक लेके जाए। 10,500 पे एक अच्छा सपोर्ट है, लेकिन 10,454 पे भी एक सपोर्ट है, तो 10,454 तक दिखाने की कोशिश करें, और वहां से फिर उसके बाद बाइंग लेके इस महीने की क्लोजिंग करके दिखाने की कोशिश करेंगे अप ट्रेंड में। तो लास्ट मोमेंट पे तो हो सकता है आपको लास्ट डे ऑफ ट्रेडिंग में आपको बाइंग दिखने को मिले, क्योंकि हर कोई अपनी पोजीशन बना करके बैलेंस शीट पे पोजीशन को दिखाने की कोशिश करेगा। हर फंड हाउस, कंपेरेटिव हाउस, हर कोई अभी सेल करके प्रॉफिट बुक करके लास्ट आवर में उसको बाई करके प्रॉफिट बुकिंग करके दिखाने की कोशिश करेगा। ऐसा हो सकता है, ये मेरा एजम्पशन है, मेरा कुछ ऐसा नहीं, मैं अजम्पशन पे ही बताता हूँ जो भी है। आज देखेंगे तो क्या हुआ, आज एफआई ने तो बाइंग की, लेकिन डीआई ने सेलिंग की। आज डीआई इन्वेस्टर ने, एफआई ने 134 करोड़ की जहाँ बाइंग की, वहीं डीआई ने आप देखेंगे 488 करोड़ की सेलिंग की। तो डीआई आज सेलर ज्यादा बने एफआई के कंपेरेटिव में, कोई बात नहीं। अगर आप इस पे निफ्टी पे इंडेक्स की बात करें तो आज देखेंगे निफ्टी में क्या हुआ। तो निफ्टी इंडेक्स में अगर देखेंगे आप, तो आपको यहाँ पे देखिएगा निफ्टी 50 में एडवांसेस 5 है, डिक्लाइन 45 है, तो ज़्यादा डिक्लाइन की हो रहा है। एडवांसेस में कौन कौन है? हिंदुस्तान पेट्रोलियम, बीपीसीएल, कोल इंडिया, एनटीपीसी, पावर ग्रिड। पावर सेक्टर, कोल इंडिया और ऑयल सेक्टर ने थोड़ा सा अच्छा दिखाया। सबसे ज़्यादा गिरने में कौन दिखाया आपको? सबसे ज़्यादा गिरने में आप देखेंगे परसेंटेज में तो एससीएल टेक, एचडीएफसी बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर, वेदांता ने भी वीकनेस दिखाई, और 2-2% के साथ आईटीसी, इंडसलैंड बैंक और आइसर मोटर 2%, बजाज ऑटो, भारतीय एयरटेल, टाइटन, और 3% के साथ, और 5% सबसे ज़्यादा आईओसी 5% के साथ, यूपीएल 4.5% के साथ, अदानी पोर्ट 3% के साथ। तो अच्छी खासी यहाँ पे आपको लोअर लेवल से जेल, मारुति, मारुति ने भी आज अच्छी खासी अपने गिरावट को दिखाई दी और 7,500 पे क्लोजिंग दी। ये निफ्टी के साथ प्राय चलता है, निफ्टी अपसाइड तो अपसाइड, ये डाउन साइड डाउन साइड, प्राय ये निफ्टी के साथ मेंटेन करने की मारुति कोशिश करता है। इन्फोसिस में भी गिरावट देखने को आई। तो मार्केट में अक्सर जब गिरावट आती है तो आईटी सेक्टर चलते हैं, लेकिन यहाँ पे आईटी सेक्टर भी फॉल दिखाई दे रहा है, रुपये में कमजोरी के चक्कर में, और हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग के चक्कर में। चलिए, तो हमें क्या करना चाहिए आगे के नेक्स्ट वीक के लिए, क्या करना चाहिए? नेक्स्ट वीक तो बहुत लंबा हो जाता है, नेक्स्ट वीक की बात करो तो हो सकता है कि आपको एक्सपायरी जैसा चल रहा है 10,500 के राउंड में आपको एक्सपायरी दिखा दे, क्योंकि एक बार नीचे जा करके फिर से ऊपर की ओर 10,500, 10,700 की ओर ऊपर जाएगा। लेकिन फर्स्ट 3 डेज के लिए आपको अगर आप बताऊँ तो फर्स्ट 3 डेज मुझे थोड़ा निगेटिव सेंटिमेंट में दिख रहा है, और लगता है कि 10,500 का पुट लेकर के आप चलेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। और अगर मेरे पुराने बताए हुए पुट पे किसी ने काम किया होगा तो आज अच्छे खासे प्रॉफिट के साथ ही बैठे होंगे। 10,950 का पुट अगर किसी ने भी बाय किया होगा तो आज देखेंगे 10,950 का पुट 1-200 रुपये के आसपास चल रहा है, तो अच्छा खासा पुट में 10,950 में आपको देखने को प्रॉफिट मिल रहा होगा। 10,500 के अगर वापस हम पुट की बात करें तो 16 रुपया सिर्फ चल रहा है, तो खोने को कुछ भी नहीं है। अगर आप इस पे एक पेपर ट्रेडिंग कीजिए केवल, और 10,500 को 16 रुपये 50 पैसा भी लगते हैं तो बहुत कुछ जाता नहीं है आपका। बट नीचे अगर किसी कारण से फॉल देखने को मिलता है तो आपको अच्छा खासा गिरावट देखने को मिलेगा। अब ये पुट साइड है, ये कॉल साइड है, इससे क्या देखने को मिल रहा है आप देखेंगे तो अब हर लेवल पे यहाँ पे कॉल राइटिंग हो रही है। आप 10,800 पे देखिए 16 लाख, 10,900 पे 17 लाख,
11,000 पे 18 लाख, ओपन इंटरेस्ट देखिए 58 लाख, 39 लाख, 27 लाख, अब तो 10,900 ही क्रॉस नहीं करेगा, 10,800 पे भी रेस्ट्रिक्शन बढ़ना चालू हो गए, अब कॉल राइटिंग बढ़ गया। और पुट की ओर क्या हो रहा है, पुट की ओर अनवाइंडिंग हुआ, फ्री फ्लो हो गया, मीन्स फ्री फ्लो हो गया मतलब कि ये कितना नीचे जाएगा ये कुछ नहीं मालूम है, कोई पोजिशन कोई सपोर्ट का लेवल हट गया अभी सारा नीचे की ओर, सपोर्ट खत्म हो गई और 10,800 पे अनवाइंडिंग हो गई, 10,900 पे अनवाइंडिंग चालू हो गई, 18 लाख का अनवाइंडिंग हो रहा है। चलिए आज जहाँ क्लोजिंग हुआ एट द मनी क्या पोजीशन चल रहा है 10,754, तो 10,750 को एक बार देखते क्या चल रहा है, 10,750 पे क्या हो रहा है, 10,750 पे देखेंगे तो कॉल पे राइटिंग हो रही है, 1,24,000 का एडिशन हो रहा है और पुट पे अनवाइंडिंग हो रही है। तो इससे क्या दिखता है, इससे क्लियरिटी दिखता है कि नीचे की ओर पूरा दायरा खुला हुआ है, ऊपर के तो हर एक लेवल पे अब आपको राइटिंग हो रही है, हर एक लेवल पे आपको मुश्किल है टच करना, तो ऊपर की ओर रेस्ट्रिक्शन बन रहा है और नीचे की ओर दायरा खुल रहा है। तो इसके लिए 10,750 का पुट अगर कोई लेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, 59 रुपये का पुट मिल रहा है आपको 69 का, बहुत ही अच्छी पोजीशन रहेगी जिसका 10,750 का पुट लेके पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे। मंडे किसी कारण से भी इतना फॉल हुआ है तो हो सकता है थोड़ा रिकवरी देने के मोड में है, तो आप फंसिएगा नहीं, आप ट्रैप बंद हो जाइएगा, आपको पुट की ओर ही पोजीशन बनानी है जब तक एक बार 10,500 नहीं दिखाता है, 10,424 पे सपोर्ट है तो एक बार आपको ये नीचे की ओर ले जा करके कोशिश करेगा दिखाने की, फिर ऊपर ले जाना होगा तो ऊपर ले जाएगा। तो फर्स्ट तो इसको नीचे जाना है, जाने दीजिए, जैसे यहाँ फ्री फ्लो बता रहा है जाने दीजिए, कोई बात नहीं है। और अगर हम चार्ट पे भी देखें इसी चीज़ को, हम चार्ट पे भी देखने की कोशिश करें, अब देखिए अभी अगर हम इसको निफ्टी के चार्ट पे भी देखने की कोशिश करें तो आप क्या देखने को मिल रहा है, इसका डेली चार्ट में देखिए क्या मिल रहा है आपको, ये जो भी यहाँ पे जो गेन था ये 2-4 दिन यहाँ से लेकर के इस दिन तक का जो भी गेन था सबको खत्म कर दिया एक साथ, इतने दिन के गेम को एक साथ खत्म कर दिया। और अब इस कैंडल को टेस्ट करने की कोशिश करेगा, इस कैंडल का लो क्या है 10,560, तो 10,560 पे आपको यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिल सकता है। इस कैंडल को ब्रीच करना, वॉल्यूम के साथ ही ब्रीच करेगा, करना होगा तो एक साथ ब्रीच करेगा। और एमएसडी लाइन भी देखिए कि एमएसडी नीचे की ओर फॉर्म कर रही है, डेली फॉर्म पे देखे तो ये नीचे की ओर दिखा रहा है, तो आपको हर जगह तो 10,560 पे एक इसको यहाँ पे शॉर्ट टर्म बोल रहा हूँ, एक बार ये नीचे तो दिखाएगा, तो हो सकता है आपको यहाँ पे जो लास्ट है 10,333 ये एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा, इस कैंडल को कैसे टेस्टिंग करता है वो तो आपको देखना इंपॉर्टेंट होगा। बट नेक्स्ट वीक के लिए लगता है मुझे 10,560 लो साइड में और अप साइड में 10,700, तो हो सकता है कि मंथ की क्लोजिंग 10,700 के आसपास दे दे, 10,750 के आसपास दे दे, लेकिन एक बार आपको 10,560 टेस्ट तो जरूर करेगा मंथ की क्लोजिंग। वीकनेस तो चालू हो चुका है, मैं आपको पहले बता चुका हूं, इस वीडियो में आप जाके देख सकते हैं, वीकनेस मार्केट में चालू हो चुका है। और ये वीकनेस कहां तक दिखाएगा ये नॉन नहीं है, और आप भी जान रहे हैं ये जो आपको यूएस मार्केट जो डो चल रहा है ये 22,829 पे अभी देख रहे हैं आप चल रहा है, 20 पॉइंट 25 पॉइंट अप करके चल रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 22,424 एक बार ये टेस्ट करेगा ही करेगा, तो नीचे में आपको डो में आपको वापस आपको यहाँ पे 400-500 पॉइंट का गिरावट आपको देखने को मिल सकता है। किसी कारण से डॉ में अगर बहुत लंबी रिकवरी आ गई तो मंडे को हो सकता है आपको पॉजिटिव थोड़ा सा दिखा दे, फिर भी आपको ट्रैप नहीं होना है, आपको डाउन साइड एक बार 10,500 जो टेस्ट करना है उसको वो करके रहेगा। और ऐसे भी अब आगे जो जैसा बता रहे हैं कि फंड एडवाइजर नहीं रहेंगे या छुट्टी पे जा रहे हैं तो बाइंग तो नहीं आने वाली है, अभी फर्दर को आपको अपवार्ड करने के लिए जो ह्यूज बाइंग आने वाली वो तो नहीं आने वाली, तो जो भी होगा पोजीशन एग्जिट होकर के लोग निकलने की कोशिश करेंगे और मार्केट उसमें आपको नीचे की ओर देखने को मिल सकता है। आज का जो निफ्टी क्लोजिंग दिया वापस 10,754 पे बता दो, एडवांस 5 है, डिक्लाइन 45 है, जो एडवांसेस हैं वो ये हैं और जो HDFC BPCL कोल इंडिया NTPC पावर ग्रिड और जो लोसर लूजर है IOC UPL अदानी पोर्ट जेल और मारुति, ये मेन लूजर थे। और इंडेक्स की बात करो, अगर मैं टोटल इंडेक्स की बात करूँ तो आप देखेंगे इंडेक्स में सारे इंडेक्स निगेटिव है, कोई भी इंडेक्स आपको यहाँ पे पॉजिटिव देखने को नहीं मिल रहा है। और एक चीज़ याद रखिए, ये विक्स उल्टा खेल खेल रहा है, और इनफैक्ट जब ये विक्स नीचे है तो आपको मार्केट ऊपर जाना चाहिए, 11 है तो इसको ऊपर जाना चाहिए, लेकिन ये नीचे है तो विक्स भी एक अटपटा उल्टा ट्रेंड में चलने की कोशिश कर रहा है, तो मार्केट को सही डायरेक्शन पता खुद नहीं है।
तो ठीक है, कोई प्रॉफिट बुकिंग नाम ले ले, कोई शट डाउन यूएस का ले ले, कोई छुट्टी पे जा रहा ले ले। मेरा अपना मानना है कि निफ्टी पे अभी आपको पॉजिटिव व्यू नहीं रखना चाहिए, और नीचे 10,750 का पुट जो कि आपको 69 पे मिल रहा है, अगर बना के आप पोजिशन पेपर ट्रेडिंग करते हैं तो शायद आपको फायदा देखने को मिल सकता है। क्योंकि यहाँ पे देखेंगे जैसे कॉल राइटिंग 17 लाख, 18 लाख, 16 लाख, ये 1-2 लाख की राइटिंग नहीं हो रही है, 18 लाख, 20-20 लाख की राइटिंग हो रही है, और हर लेवल पे हो रही है कॉल साइड में। इसका मतलब हर लेवल पे ऊपर में इसको प्रॉब्लम है चढ़ने में, हर एक लेवल पे प्रॉब्लम आने वाली है, और एक्सपायरी नज़दीक है, और पुट की ओर दायरा खुला छोड़ दिया है कि नीचे जितना जाना है जाओ। एक आप देखेंगे तो 10,500 के पास आप देखेंगे तो 32 लाख का है, उसमें भी अनवाइंडिंग हुआ 8,15,000 का। तो बहुत से बहुत 10,500 पे एक सपोर्ट मिलेगा आपको टोटल ओआई ओपन इंटरेस्ट क्यूमुलेटिव के बेस पे। एडिशन तो यहाँ पे भी सब्सट्रैक्शन हो रहा है, यहाँ पे भी अनवाइंड हो रहा है। तो 10,500, 10,550 पे एडिशन हुआ है, देखेंगे 10,550 पे आज कॉल पुट राइटिंग हो रही है, और यहाँ पे सिर्फ 3,78,000 है। तो वही आपको जो बताया, ये जो कैंडल आपको समझाया था कि ये कैंडल जो है, ये कैंडल एक बार इसका इंपॉर्टेंट कैंडल है 10,560, चूंकि 10,550 के आसपास आ रहा है, तो 10,750 का पुट बनाइए, या अगर लोअर रिस्क लेना है तो 10,550 का आप पुट लीजिए, या 10, जैसा आपको लगे पेपर ट्रेडिंग कीजिए। 10,500 का पुट आपको मिल रहा है 16 रुपये में, 10,500 का मिल रहा है 21 रुपये में, और अगर मार्केट किसी कारण से मंडे आपको ट्रैप करने की कोशिश करे और ऊपर की ओर दिखाए तो आपको पुट पे पोजीशन बनानी है, कॉल में पोजीशन नहीं बनानी है, ऐसा मेरा मानना है। बाकी आप खुद जज करेंगे, मार्केट कुछ भी जा सकता है, ऐसा यहाँ मेरा नहीं मानना है। इनफैक्ट ये डेरिवेटिव पोजीशन पे भी ऐसा ही बता रहा है, कल के डेट में जैसे कि नहीं बना था परसों तक ऐसा कोई पोजीशन, आज यहाँ बन रहा है। तो जिस तरह से मैं बुलिश था 11,000 के लिए, वैसे अभी बेरिश हूँ 10,500 और 10,300 के लिए। तो जब उस समय मुझे दिख रहा था यही चार्ट पे दिख रहा था 10,11,000 की ओर जाने के लिए, अब वही उल्टा दिख रहा है 10,500 पे जाने के लिए। इसके लिए मैं आपको वापस पुट पे पोजीशन बनाने की सलाह दे रहा हूँ, अभी कॉल पे बनाने की सलाह नहीं हो। यही पोजीशन अगर उस समय मुझे दिख रही थी 10,800 पे, 10,900 पे सेम काम हो रहा था, तो मैंने आपको बताया था कि 11,000 की ओर जाएगा। अब सेम काम हो रहा है कॉल साइड में, वापस वही हो रहा है 10,800, 10,900, तो 10,800 पे भी रेजिस्टेंस है, 10,900 पे भी रेजिस्टेंस बन रहा है, 10,750 पे भी बन रहा है, 10,700 भी बन रहा है। तो इसका मतलब है मार्केट नीचे जाने को तैयार है, निफ्टी 50 और 10,550 पे एक सपोर्ट है। तो 10,550 के लिए आप बहुत जल्दी आप इसको देखने सुन देख लेंगे, और उससे नीचे आएगा तो उसके बाद फिर उसकी पोजीशन देख के हम जज करके आपको बता देंगे। तो निफ्टी, बस निफ्टी पे इतना ही था, निफ्टी एक निगेटिव पॉइंट पे काम कर रहा है, निगेटिव सेंटिमेंट के साथ काम कर रहा है। तो निफ्टी पे ना पोजिशन बनाना बेहतर है, अगर किसी को बनाना है तो निफ्टी पे पुट का पोजिशन बनाइए। बाकी ये सारे एजुकेशनल पर्पज से था, सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से था, और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से था। मार्केट में डायरेक्ट कोई भी पोजीशन ना बनाए ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि मार्केट अप चला गया, कुछ हो गया, आपका वेल्थ चला जाएगा, एक्सपायरी नियर है, एक्सपायरी मिलने वाला कुछ नहीं है। तो एक्सपायरी को नियर देखते हुए ना भी पोजिशन बनाए, छुट्टी बनाए तो ज़्यादा अच्छा है। ऐसे भी नेक्स्ट वीक बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग सेशन नहीं है, ट्यूजडे को बंद रहेगा क्रिसमस का, ऐसा कुछ है, तो आप देख लीजिए, पता कर लीजिए, ज़्यादा ट्रेडिंग सेशन है नहीं नेक्स्ट वीक में। फिर भी अगर किसी को शौक है तो, अगर लोवेस्ट रिस्क किस में है तो 10,500 में आपका आपका जाने वाला कुछ नहीं है। 10,500 का अगर चार्ट बनाते हैं तो 10,500 का आपको बनना है 16 रुपये 50 पैसे। यहाँ पे टेस्टिंग कीजिए, खेलिए, एंजॉय कीजिए, और बाकी आप हैं ही, आपको नॉलेज है ही मार्केट का, आप देखते ही रहते हैं, वीडियो सुनते ही रहते हैं बहुत सारे लोगों को। तो निफ्टी पे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगेन ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से है, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से। धन्यवाद।